नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय, न्यू टेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपके गार्डेनियम प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही है, तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र भी बताऊंगा और कुछ केयर बताऊंगा। जो आप करोगे तो आपके गार्डेनियम में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। इस टाइम प्रूनिंग के बाद क्या होता है कि फ्लावरिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए हमें क्या केयर करनी है ताकि हमारे प्लांट में जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग हो और एकदम फूलों से भर जाए हमारा प्लांट। तो सबसे पहले ज़रूरी बात आती है कि काफ़ी सारे वीडियो में आपने देखा ही होगा, सुना होगा, काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि गार्डेनियम में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आप तेज़ धूप में रखिए, फूल दिन की सनलाइट में। तो ऐसा करने से क्या होता है प्लांट में, तो पूरे दिन की धूप में अगर आप प्लांट को रखोगे तो क्या होता है, जो दोपहर की 12-1 बजे से लेकर 4 बजे तक की धूप जो आती है उसमें प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो तेज़ धूप में प्लांट हमारा ख़राब होने लगते हैं, उसका कोडेक्स जो आता है ये वाला कोडेक्स, ये सिकुड़ने लगता है धीरे धीरे और प्लांट हमारा ख़राब होने लगता है। सिकुड़ने से क्या होता है, प्लांट अच्छा नहीं दिखेगा और ख़राब दिखेगा। तो अब फ्लावरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लावरिंग के लिए प्रूनिंग के बाद आपने कुछ फर्टिलाइज़र नहीं दिया है तो आप अभी बोन मील दीजिए। बोन मील गमले के हिसाब से 1-1 चम्मच दे दीजिए प्लांट में, और बोन मील देने के बाद ह्यूमिक एसिड आता है, ह्यूमिक एसिड करके वो लगभग 3-4 दिन बाद ह्यूमिक एसिड के 2-3 दाने सब प्लांट में दे दीजिए। अगर आप चाहे तो लिक्विड बना के भी ह्यूमिक एसिड का दे सकते हो। ह्यूमिक एसिड के जो दाने आते हैं उसको भिगो के रख दीजिए और 1 लीटर पानी में लगभग 15-20 दाने डाल के आप घोल दीजिए और सब प्लांट में दे दीजिए। और ह्यूमिक एसिड के बाद आप लगभग 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और एनपीके आता है, एनपीके 19-19-19 वो फर्टिलाइज़र दीजिए। एनपीके आप महीने में 1-2 बार देते रहिए ताकि इससे क्या होता है प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी होगी, बढ़ जाएगा आपका प्लांट। गार्डेनियम प्लांट ऐसा है कि आप सारी जगह पे तेज़ धूप पड़ती है, कहीं पे कम धूप पड़ती है, अलग अलग सब जगह पे इन्वायरमेंट रहता है, उसी वजह से क्या होता है कि कहीं पे फ्लावरिंग होती है, कोई किसी जगह पे नहीं होती। मेरे यहाँ देखिए अब तक कलियाँ नहीं बनी क्योंकि प्रूनिंग के बाद अभी लगभग 1.5-2 महीना हुआ है। अभी ये प्लांट को तो 1 महीना जितना ही हुआ है प्रूनिंग किया हुआ, देखिए अभी तो ये थोड़ी थोड़ी ग्रोथ पे है और ये बाकी सब प्लांट कोई 1-1.5 महीना ऐसे ऐसे प्रूनिंग का हो गया है। तो मैंने बताया उस तरीके से आप खाद दोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट चलेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। मैंने जो ह्यूमिक एसिड बताया, ह्यूमिक एसिड जो है वो फ्लावरिंग के लिए नहीं, वो प्लांट की जो आपका कोडेक्स है प्लांट का उसकी ग्रोथ, ये देखिए ये जो कोडेक्स रहता है उसकी ग्रोथ, कोडेक्स को बड़ा करने में मदद करता है ह्यूमिक एसिड। वो क्या है कि प्लांट की जो जड़ें होती है उसका विकास करता है ह्यूमिक एसिड। तो उस कोडेक्स के लिए आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए और फ्लावरिंग के लिए बोन मील और एनपीके 19-19 डालिए, तो दोनों फर्टिलाइज़र से फ्लावरिंग होगी और ह्यूमिक एसिड से क्या होगा कि प्लांट का कोडेक्स अच्छा दिखेगा और बनेगा मोटा कोडेक्स। मोटा कोडेक्स से क्या होता है, मोटे कोडेक्स से प्लांट हमारा खूबसूरत दिखता है और उसका शेप भी एकदम बॉन्साई तरीके से आता है। ये देखिए कितनी फास्ट ग्रोथ है हमारे यहाँ, देखिए ये लगभग 2 महीने में देखिए कितने बड़ा हो गया है। और कुछ पत्तियाँ आपको ख़राब दिख रही होगी क्योंकि पानी दे दिया था और धूप निकल आई थी, तो उसी वजह से पत्तियाँ भी थोड़ी ख़राब हो गई थी प्लांट की। तो आपका और कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।